हेलो फ्रेंड्स, ब्लू टगर के इस पौधे में हम 1 से 1.5 महीना पहले एयर लेयरिंग किए थे। अब उसमें रूट आ गया है। आज हम उसको कट करके मिट्टी में लगाएंगे। ये देखिए रूट आ गया है, उसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद उसको मिट्टी में लगाएंगे। हम कट कर लिए हैं और सबको भी कट कर लेते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। अब उसमें से पॉलीथीन उतार के देखते हैं कितना रूट आया है। धागा खोल लेते हैं। धागा खोल लिए हैं। अब पॉलीथीन को उतार के उसमें से देखेंगे कितना रूट आ गया है। ये देखिए कितना शानदार रूट आया है, वाइट वाइट रूट। ये देखिए बहुत सारे रूट आया है। ये देखिए पास से दिखा रहा हूँ। और एक को भी खोल के दिखा रहे हैं। धागा काट लेते हैं, पॉलीथीन को उतार लेते हैं। ये देखिए क्या शानदार रूट आया है, उसमें से भी ज़्यादा इसमें रूट आया है, वाइट वाइट फाइब्रस रूट। समय बर्बाद ना करते हुए और सबका पॉलीथीन भी खोल लेते हैं। यह है 70% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट। उसको अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद ये पॉली बैग में लगा लेंगे। उसको अच्छे से मिला लिया, उसके बाद ये पॉली बैग में भर लेते हैं मिट्टी। उसके बाद इसको लगा लेंगे। अच्छे से मिट्टी भर लेंगे। उसको अच्छे से पटक लेंगे, क्योंकि इसमें जो मिट्टी में एयर पॉकेट रह गया है उस सब बाहर निकल जाएगा। अच्छे से पटक कर उसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद समय बर्बाद ना करते हुए उन सब को भी भर लेते हैं। इसमें अच्छे से पानी देकर सेमी शेड एरिया में 10 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, अच्छे से पानी दे देंगे। ब्लू टगर की मदर प्लांट में अब हम खाद डालेंगे। उससे पहले हम मिट्टी को गुड़ाई कर लेते हैं। अब हम गुड़ाई कर लेंगे। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद उसमें खाद डालेंगे। अच्छे से गुड़ाई कर लिए हैं। उसका मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके उसमें से साइड से मिट्टी हटा देनी है। उसमें एनपीके के 15-15-15 के कुछ दाने डालेंगे। अब हम डाल लेंगे। ये देखिए हम डाल ले हैं। उसके बाद ये जो मिट्टी है उसमें से फिर से लगा लेंगे अच्छे से।